नमस्कार। महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या सहकार्याने व आमदार माननीय श्री प्रताप सरनाईक साहेब विधानसभा सदस्य यांच्या प्रयत्नांनी शासनाच्या महानगरपालिका क्षेत्रातील मूलभूत सोयी सुविधांचा विकास या योजनेअंतर्गत मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सहक्रमांक 13-92 पैकी महाजनवाडी मीरा रोड येथे उभारण्यात आलेल्या मातोश्री इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक सुपर स्पेशालिटी कॅशलेस काउंटर रुग्णालयाचे तसेच मध्यम व गरजू रुग्णांना मोफत उपचार मिळावे म्हणून मीरा भाईंदर मध्ये पहिले नो कॅश काउंटर रुग्णालय चालू करण्यात आले आहे। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथजी शिंदे साहेब व आमदार माननीय प्रताप सरनाईक साहेबांच्या प्रयत्नांनी हे हॉस्पिटल उत्कृष्टरित्या उभारण्यात आले आहे। मीरा भाईंदर महानगरपालिका व प्लॅटिनम हॉस्पिटल प्रायव्हेट लिमिटेड हे मनापासून महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथजी शिंदे साहेब व आमदार माननीय श्री प्रताप सरनाईक साहेबांचे खूप आभार मानतो। खासगी रुग्णालयासारख्या ठिकाणी रुग्णालयातील सेवा किती महागड्या असतात याची तुम्हाला जाणीव असेलच। 24 तास वैद्यकीय सेवा, डॉक्टरांची उपलब्धता, अनेक वैशिष्ट्यांचे उपचार आणि शस्त्रक्रिया, AC वॉर्ड, उत्कृष्ट भोजन हे सर्व काही गरीब व्यक्तींसाठी स्वप्नासारखेच आहे। आता या सर्व सुविधा फक्त स्वप्नापुरतीच मर्यादित राहणार नाही, ते सत्यात उतरवण्याची वेळ आली आहे। मीरा भाईंदर महानगरपालिका तुमच्यासाठी एक असे रुग्णालय घेऊन येत आहे जे नो कॅश काउंटर रुग्णालय असेल। या जाणून घेऊयात नो कॅश काउंटर हॉस्पिटलच्या बाबतीत स्वतः प्लॅटिनम हॉस्पिटल प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक माननीय डॉक्टर श्री संजीत पॉल यांच्याकडून। आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, ट्रीटमेंट जो होता है वो 3 फेज में होता है। एक होता है पहला फेज जिसको को बोलते हैं OPD, मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। पहले पेशेंट को हम लोग चेक करते हैं, कंसल्टेंट जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो देखते हैं और वो उनको सर्टेन टेस्ट लिखते हैं, तो वो हो गया पहला फेज। सेकेंड फेज हो गया ट्रीटमेंट, थर्ड फेज हो गया फॉलोअप। अब पहला फेज में यहाँ क्या क्या मिलने वाला है। पहला फेज में यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर उनको मिलेंगे जहाँ पे उनका कंसल्टेशन हो सकता है, ऑन्को सर्जन मिलेंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन मिलेंगे, जनरल सर्जन मिलेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट मिलेंगे, न्यूरो सर्जन मिलेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट मिलेंगे, यूरोलॉजिस्ट मिलेंगे। ये लोगों का OPD, मतलब ये लोगों का प्राइवेट में OPD 2,000 से 2,500 रुपये चार्ज होते हैं। ये सब OPD यहाँ फ्री होगी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के। फिर ये डॉक्टर जो भी टेस्ट लिखेंगे इनको बोला सोनोग्राफी कीजिए, एक्सरे कीजिए, ECG कीजिए, ब्लड टेस्ट कीजिए, CT स्कैन कीजिए, ये सब उनको फ्री होगा सेकंड स्टेप में। यहाँ पे ये फ्री होने के बाद पता चल गया कि पेशेंट को कौन सा बीमारी है, वो बीमारी के लिए पेशेंट को एडमिट किया जाएगा। उसके लिए एक क्राइटेरिया है कि उनके पास येलो और ऑरेंज राशन कार्ड होना चाहिए। येलो और ऑरेंज राशन कार्ड है तो उनका एडमिट हो जाएगा। वो एडमिट हो जाएंगे तो उनका जो भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब कार्डियक सर्जरी में हो गया, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वॉल्व सर्जरी, पेसमेकर, ये सब हो जाएगा पेशेंट को फ्री। ऑर्थोपेडिक में फ्रैक्चर ट्रीटमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरी हो जाएगा फ्री। क्रेनियोटोमी, क्योंकि ये हाईवे के बाजू में है, एक्सीडेंट के केस ज़्यादा आ सकते हैं, तो न्यूरो सर्जरी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कैंसर सर्जरी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। किडनी में स्टोन, ये स्टोन वेल कहलाते हैं, बिकॉज हम लोग समुद्र के पास रहते हैं तो इधर किडनी स्टोन के पेशेंट बहुत ज़्यादा है, उनकी जो ट्रीटमेंट है स्टोन की, वो ब्लडर में हो, किडनी में हो, यूरेथ्रा में हो, वो हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। महिला लोगों की जो बीमारी होती है, यहाँ पे गायनाकोलॉजी सर्जरीज फ्री होंगे, जैसे महिला की हिस्टेक्टमीज हो गया, ओवरी सिस्ट हो गया, वो हो गए फ्री। इसके बाद कैंसर सर्जरी आ गया, कैंसर में आ गया माउथ कैंसर, महिला लोगों के जो कैंसर होते हैं ब्रेस्ट कैंसर, मेल्स के जो कॉमन है प्रोस्टेट कैंसर, ये सारे कैंसर्स की हो जाएगी फ्री ट्रीटमेंट यहाँ पे। इसके बाद ये सर्जरी सब ट्रीटमेंट हमने फ्री दे दिया। फिर ज़रूरत क्या होती है पेशेंट को, 15 दिन बाद फॉलोअप, क्योंकि ट्रीटमेंट तो देखे हम छोड़ देते हैं बट उसका फॉलोअप नहीं होता तो इन्फेक्शन होता है या पेशेंट को वापस रीअकरेंस होता है सर्जरी की। सो यहाँ पे फॉलोअप भी होगी फ्री, मतलब वापस वही डॉक्टर उनको फ्री में देखेंगे, जो टेस्ट लिखेंगे वो टेस्ट वापस फ्री में मिलेगी एंड पेशेंट को 100% फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में दिया जाएगा। या कॅशलेस हॉस्पिटलच्या रूपामध्ये गरजू रुग्णांना उपचार पोहोचवण्याचा हा उपक्रम, यासाठी आम्ही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथजी शिंदे साहेब व आमदार माननीय श्री प्रताप सरनाईक साहेब व मीरा भाईंदर महानगरपालिका यांना सलाम व मनापासून धन्यवाद करतो।